A very warm welcome to all of you, and many thanks for taking time out and being with us today. मैं आज CSR जर्नल के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि आज आपसे अपने पिछले 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है CSR जर्नल में काम करते हुए, वो आपके साथ शेयर करूं, और उसके साथ अपने मन की, अपने दिल की कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. I will try and refrain from talking about the CSR journal, what we do, how we do. And my focus will be more on women empowerment, क्योंकि वो मेरा favorite topic है और मैं काफ़ी दिल से उस पर बात करना चाहता हूँ. In fact, ma'am just spoke about it. तो I think she's done her bit and I will try to share my thoughts. CSR जर्नल जब शुरू हुआ था करीबन 5 साल पहले, तो हमने सोचा था कि इसको एक यंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लेकिन उस समय सबको लगता था CSRO something very serious, niche, सबके लिए तो ये है ही नहीं. तो जब हमने यंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचा, सो वी कॉल पीपल फॉर इंटरव्यूज, तो उनको बुलाते थे तो यूथ आता था, तो उसको इंटरव्यू करते थे, बोलते थे दिस इज फॉर CSR, यू शुड लुक एट द एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेसेस, बोलते देन व्हाई मी. उनको लगता था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% ऑफ प्रॉफिट, पैसे देने हैं, तो इसमें मेरा क्या काम है. ऐसा हुआ तो हम लोगों को वापस से वी हैड टू रीथिंक ऑन आवर विजन. हमको ये सोचना पड़ा कि हम कैसे, जो हमारा विजन ये था कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोशल डोमेन, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू रियलाइज कि जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं हो सकता. फाइनली वी सेड फाइन, लेट्स रीडिफाइन CSR एज सिटीजन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर हमने उस पर थोड़े दिन काम किया, वापिस से सोचा चलो ठीक है, वापिस एक यूथ को बुलाते हैं, लेट्स डिस्कस विद देम. फिर उनसे बात करना शुरू किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई. आई मेट समवन हु केम फॉर एन इंटरव्यू, तो उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हमको क्या करना है, व्हाट इज CSR, व्हाट इज देयर फॉर अस टू डू. तो मैंने यही कहा कि अगर एक कोई गरीब भिखारी भी अगर सड़क पे है और उसको भी अगर देख लो कि कोई जाते आते अगर उसके चेहरे पे हंसी ला सकता है, इवन दैट इज CSR. तो वहां से हमने सोचा कि CSR एंड MSR, विच इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सारी चीजों को मिक्स करके वी केम अप विद, यू नो, CCSR, विच इज कॉर्पोरेट सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वहां से हमारे सफर की रियल शुरुआत हुई. और मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउ वी हैव अ वेरी यंग टीम. आई थिंक द एवरेज एज वुड बी अबाउट 23-24, एंड देर आर मैनी पीपल हु डोंट वर्क फॉर अस, वी डोंट पे देम, बट क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो हमारे विजन के साथ, उनका विजन मैच करता है, उनको लगता है कि जो हम करना चाहते हैं उसमें वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं. सो थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर विद अस ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग. जहां तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, फिर CSR जैसा वुमेन एम्पावरमेंट साउंड्स वेरी फैंसी, वेरी मॉडर्न, सबको लगता है वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ कुछ तो कर रहे हैं. बट मेरा अपना ऐसा मानना है कि महिलाओं को किसी तरह की एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है. एक औरत जब गर्भ धारण करती है, तब से लेकर एक नए जीवन के इस संसार में आने तक, हर पल एक मांस के टुकड़े को अपना लहू और अपनी सांसें देकर उसमें प्राण डालती है. ऊपर वाले के बाद, भगवान के बाद, एकमात्र औरत ही है जो एक जीव का सृजन कर सकती है. वास्तव में देखा जाए तो राम, रहीम, यीशु, इनको भी अवतार लेने के लिए एक औरत की गर्भ का सहारा लेना पड़ा था. जरा सोचिए, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता की जननी है, वो कमजोर कैसे हो सकती है. और मैं हमेशा यही सोचता हूं, और आज इस मंच से बिना कोई भाषण दिए हुए, बिना कोई CSR जर्नल का प्रमोशन किए हुए, मैं अपने देश की हर महिला को शत-शत प्रणाम करता हूं. और मैं यही कहना चाहता हूं, वी आर विद यू, प्लीज कीप गोइंग, प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू डोंट नीड एनी एम्पावरमेंट, यू आर स्ट्रांग, यू आर द स्ट्रांगेस्ट, एंड वी रियली नीड यू. जय हिंद, थैंक यू वेरी मच.